चलिए क्वेश्चन है, इन एन एपी शो दैट, इन एन एपी शो दैट ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू 2 AM, ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक, तो जैसे आपको सो ए एम प्लस एन क्या है कि एम प्लस एन ए टर्म, वी नो ए एन और टी एन, ये सेम ही आपको बताया था क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन, और किसी बुक में ए एन होता है, किसी में टी एन लिखा होगा। तो ए एम प्लस एन कितना हो गया, ए एम प्लस एन इक्वल टू ए प्लस एन की जगह एम प्लस एन आ जाएगा, माइनस वन इंटू डी, और ए एम माइनस एन कितना हो गया, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह एम माइनस एन आया है, यहाँ एन की जगह एम प्लस एन आया है बस। ठीक, इन दोनों का एडिशन, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, डी कॉमन, सो ये एन से एन गया। ठीक है, तो आप देखें क्या आ गया, 2A प्लस 2M-1 डी। ठीक है, टू बाहर तो क्या आ जाएगा, टू बाहर होगा तो ए प्लस एम माइनस वन, ए प्लस एम माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब ए प्लस एम माइनस वन डी दैट इज AM, हैंस प्रूफ, हैंस ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 12 प्लस 8 आइटा ऑफ द सीक्वेंस 12 प्लस 8 आइटा कॉमा 11 प्लस 6 आइटा कॉमा 10 प्लस 4 आइटा कॉमा सो ऑन इज फर्स्ट पार्ट। पहला क्या है, प्योरली रियल, प्योरली रियल। दूसरा पार्ट पूछा प्योरली इमेजिनरी। सो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, वी हैव सीक्वेंस 12 प्लस 8 आइटा कॉमा 11 प्लस 6 आइटा कॉमा 10 प्लस 4 आइटा सो ऑन। सो फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो। ठीक है, सो उसका क्या होगा, दैट इज क्या होगा, 0 आइटा होना चाहिए, 0 आइटा, समथिंग के प्लस 0 आइटा। तो ठीक है, सो आप हिसाब लगाइए जरा कि वी हैव इमेजिनरी सीक्वेंस, वी हैव इमेजिनरी सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है, 8 आइटा पहला हुआ, 6 आइटा दूसरा हुआ, 4 आइटा तीसरा हुआ, सो ऑन। हमें कहाँ ले जाना है, 0 आइटा पे। तो 0 आइटा वाला कौन सा हुआ है देखना है, लेट टी एन इक्वल टू 0 आइटा। तो टी एन क्या हो गया, ए कितना है इसका, 8i प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना है, -2i इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा,
एट आई इक्वल टू टू आई एन माइनस वन, तो ये फोर टाइम्स, तो एन इक्वल टू फाइव, मतलब फिफ्थ टर्म टी फाइव विल बी प्योरली रियल, प्योरली रियल, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, प्योरली रियल हो जाएगी। प्योरली इमेजनरी के लिए क्या करेंगे, रियल वाला डेटा ले लेंगे। कौन सा डेटा लेंगे, ले लेंगे हम लोग रियल वाला, ठीक है। सो रियल वाला डेटा अगर लेते हैं सो क्या बनेगा, हटा देता हूं मैं यहां से यहां तक। और प्योरली इमेजनरी, और प्योरली इमेजनरी रियल शुड बी जीरो, रियल शुड बी जीरो, दैट इज क्या आएगा, जीरो प्लस समथिंग आयटा, है ना, ऐसा होगा। सो लेट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, क्या है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, 12, 11, 10, सो ऑन, कहीं ना कहीं ये जीरो आएगा। सो इसका ए कितना है 12, डी कितना है माइनस वन, और हमने कहा लेट टी एन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। सो एन माइनस वन इक्वल टू हो गया 12, सो एन इक्वल टू 13, मतलब क्या हुआ, टी 13 विल बी क्या, प्योरली इमेजिनरी, समझ में आ गई बात। सो ये हो गया फिफ्थ का। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय थ्री, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई थ्री। थ्री से डिविजिबल वाले कितने नंबर हैं, ठीक है, थ्री से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, दो दो डिजिट के, तो पहला नंबर कौन सा होगा भाई दो डिजिट का, 12, फिर 15, फिर कितना होगा 18, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब लास्ट वाला कौन सा होगा दो डिजिट का, लास्ट वाला कौन सा होगा, सो लेट, सो दो डिजिट का लास्ट का नंबर ये आता है, अब चेक कर ले 99, इससे आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, इससे आगे क्या हो जाएगा 100। सो ये कितने हैं ये देखना है अपने को, हमें ये चेक करने हैं कितने हैं। इट इज इन इट इज इन एपी, एपी में हुए हैं। ए कितना है 12, डी कितना है 3, लेट टी एन इक्वल टू 99, मतलब एन एट टर्म कितनी हमने मान ली 99, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 99, सो एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 99 माइनस 12 कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया 87। सो एन माइनस वन इक्वल टू 87 बाई थ्री, एन इक्वल टू 30, हमने क्या, एन इक्वल टू 30,
एन इक्वल टू 30 है, इसका मतलब क्या है? टोटल 30 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। टू डिजिट्स नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली टू डिजिट्स, टू डिजिट नंबर। आगे का क्वेश्चन लेता हूं मैं, जरा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, ये कर दिया इसने, बिटवीन वन एंड थाउजेंड, डिविजिबल बाय 7, लीव्स रिमाइंडर फोर। सो इसका मतलब क्या हो गया? कोई नंबर n हो गया 7k+4 टाइप का है ना, कोई भी नंबर, हाउ मेन नंबर बिटवीन 1 एंड 1000। सो ये सब कैसे, k क्या होगा, 1, 2, 3 या 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स हैं 7k+4 जो 7 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर बचेंगे, तो n सीरीज क्या होगी? सीरीज ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर्स ऑफ नंबर इज, क्या आएगा? k की वैल्यू 0 रखेंगे, k की वैल्यू 0 तो क्या होगा, फिर k की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे, k की वैल्यू 3 रखेंगे, सो ऑन चलता जाएगा। ये नंबर की सीरीज है, ठीक है? तो क्या आया? 4, ये कितना है? 11, ये कितना आया? 18, ये कितना आया? 21, 25, सो ऑन, ठीक। इट इज इन ए पी, ठीक। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7, ठीक है। सो कहा 1000 से बिटवीन 1 to 1000, ठीक है। सो लेट टी एन इज लेस देन 1000, हमने कहा कि nth टर्म हमारा 1000 से कम है, nth टर्म क्या है? 1000 से कम, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 1000। ये कितना है? 4 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 7, लेस देन 1000, ठीक है। सो कितना हो गया ये? 4 + 7n - 7 इज लेस देन 1000, ठीक है। 7n इज लेस देन 1003 ना, 7, 4 - 3, 3। सो n इज लेस देन 1003/7, कितना हो गया ये भाई? 7 से 1003 को डिवाइड करते हैं आप, ठीक। तो आप देखते जाएं कि कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये आ गया, दैट इज
n is less than 143.2. So n की वैल्यू कितनी है, इंटीजर्स में हो सकती है, राइट? ये वाला n अलग था यार, ये इसको कैपिटल n लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, यहाँ पे क्या है, n इज लेस देन वन एंड बिलोंग्स टू हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, दैट इज n जो होगा 143 टर्म्स होंगी, ठीक है। सो 143 टर्म्स ऐसी हैं, ठीक, क्या है, 143 टर्म्स ऐसी हैं जो 1000 से कम है, ठीक है। और बात आती है अब 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर ए कॉमा एल रिस्पेक्टिवली, ठीक, show that the sum of nth term from beginning and nth term from end is a plus l, ठीक है। सो हमने टर्म्स मान ली, कैसे मान ली हमने, लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये हमारी सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है, ए एन तक है, ठीक, ये क्या हो गई, ए एन तक है, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर करते हो आप, ठीक है ना, वो भी मान सकते हैं। ए वन कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, लेट फर्स्ट टर्म ए वन वो है ए एंड कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ये सब कितना है, डी है। सो ए एन का फॉर्मूला क्या है, सो एनथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगा, ए एन, दैट फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, सो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, फ्रॉम एंड, सो टोटल टर्म हमने बाइनोमियल में देखा था, टोटल टर्म माइनस नंबर ऑफ टर्म From and plus one, यही किया था ना, so that is इसमें कितना आ गया, total term n ही है इसमें, है ना, और last से n plus one, मतलब आपको आ गया first term, तो first term क्या हो गया, a1 कितना है, a is the same as nth term from last इज इक्वल टू क्या हो गया, ए वन, एंड nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग कितना है, वो ए एन, ठीक है, और l कहा उसने, क्या कहा है, l, तो दोनों का सम कितना आ गया, आप देख सकते हैं ए वन प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एल, हेंस प्रूव्ड।
एंड प्रूव हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री सो ऑन आर इन ए पी हुज कॉमन डिफरेंस is d, then show that sec theta 1 sec theta 2 plus sec theta 2 sec theta 3 कहाँ तक गया है भाई? sec theta n minus 1 sec theta n is equal to tan theta n minus tan theta 1 upon sin d। ये प्रूफ करना है, बहुत इजी काम है। वी नो थीटा टू माइनस थीटा वन इक्वल टू थीटा थ्री माइनस थीटा टू इक्वल टू थीटा फोर माइनस थीटा थ्री, सबका डिफरेंस कितना आएगा? डी। ठीक है, सो अपने पास क्या है? सेक थीटा वन सेक थीटा टू सेक थीटा थ्री टू sec theta 3 so on, कहाँ तक गया? sec theta n minus 1 sec theta n। cos में कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे? 1 upon cos theta 1 cos theta 2 1 upon cos theta 2 cos theta 3 so on, क्या आएगा? cos theta n minus 1 cos theta n। ठीक है, अब क्या है? sin d से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे? sin d से, क्योंकि sin d चाहिए आपको, तो सब में sin d आ गया। सभी में न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई किया आपने? sin d। अब हर एक d को रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी d है, ये भी d है, ये भी d है, अकॉर्डिंगली सब रिप्लेस कर दो। तो वन अपॉन साइन डी, ये कितना हो गया? साइन थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस ये कितना होगा? साइन थीटा थ्री माइनस थीटा टू अपॉन कॉस थीटा टू कॉस थीटा थ्री सो ऑन। ये वाला क्या होगा? साइन थीटा एन माइनस वन अपॉन कॉस थीटा एन माइनस वन कॉस थीटा एन। ठीक है, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। सो देखिए आप, यहां से हटाता हूं। ठीक, सो अभी क्या हो गया? ये ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो वन अपॉन साइन डी, और ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन थीटा थीटा वन, है ना, अपॉन cos थीटा वन cos थीटा टू प्लस फिर से फॉर्मूला साइन ए cos b माइनस cos a थ्री है साइन थीटा टू सो ऑन cos थीटा टू cos थीटा थ्री, और ये चलता जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा n cos theta n minus 1 minus cos theta n sin theta n minus 1 upon
cos theta n, n माइनस वन cos theta n, ये आएगा। ठीक है, अब सबको जरा खोल दीजिए, अभी सबको खोल दीजिए। कितना आएगा ब्रैकेट वन अपॉन साइन डी, ये हो गया है दिस बाय दिस। अब देखें क्या कैंसिल होगा, cos थीटा वन गया है ना, कितना आएगा tan थीटा टू माइनस अगला tan थीटा वन प्लस यहाँ आएगा tan थीटा थ्री माइनस tan थीटा टू सो ऑन चलता जाएगा। यह आएगा tan थीटा n माइनस tan थीटा n माइनस वन, ये आ गया। अभी देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान से कि कैसे कट हो रहे हैं। ये देखिए हर एक पॉजिटिव वाला नेक्स्ट ब्रैकेट के निगेटिव से जा रहा है ना, ये वाला अपने आगे वाले जाएगा ठीक, ये वाला अपने कहीं पीछे वाले से चला जाएगा। सो दो ही टर्म बचने वाली हैं, केवल दो टर्म बचेंगी, क्या बचेंगी tan थीटा n माइनस tan थीटा वन, hence proved। क्लियर है चीजें भाई, यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर होंगी ठीक।